हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। भारत को मंदिरों का गढ़ माना जाता है। यहाँ एक से एक बढ़कर एक प्राचीन, अलौकिक और रहस्यमय मंदिर मौजूद हैं। हर मंदिर में देवी देवताओं की भिन्न भिन्न रूप स्थापित हैं। वहीं भारत के कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ राक्षसों की पूजा की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन मंदिरों में होती है दानवों की पूजा और कहाँ मौजूद हैं ये मंदिर। केरला के कोल्लम जिले में मौजूद है शकुनी का मंदिर। यह वही शकुनी है जिनके कारण न सिर्फ पांडवों ने वनवास भोगा था बल्कि महाभारत का कारण भी शकुनी ही बने थे। ऐसा माना जाता है कि शकुनी भले ही मनुष्य थे लेकिन उनका आचरण दुराचारी था और वह नकारात्मकता से भरे हुए थे। उनके विचार दूषित थे और उन्होंने कुकर्मों का मार्ग ही अपनाया था, इसलिए उनकी गिनती भी राक्षसी प्रवृत्ति में मानी जाती है। कानपुर में शिपला इलाके में श्री दशानंद मंदिर स्थापित है। यह मंदिर 125 साल पुराना है। इस मंदिर में रावण की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर इसलिए बनवाया गया क्योंकि रावण एक ब्राह्मण होने के साथ साथ परम ज्ञानी थे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। ऐसा माना जाता है कि रावण जैसा शिव भक्त आज भी सृष्टि पर जन्मा नहीं। यह मंदिर शिव मंदिर के परिसर में ही आता है। शास्त्रों के अनुसार पूतना राक्षसी को कंस ने भेजा था। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को मारने के लिए जब पूतना गोकुल पहुंची तभी उसने एक सुंदर स्त्री का भेष धारण कर लिया और श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से दूध पिलाया था। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बालकृष्ण को दूध पिलाने के कारण पूतना ने कुछ ही पलों के लिए ही सही लेकिन माता का पद निभाया, इसलिए गोकुल में उनके नाम का मंदिर भी बनाया गया है। दोस्तों, आपने देखा कि राक्षसों की पूजा भी हमारे भारत में की जाती है और कहाँ कहाँ पर होती है ये हमने आपको बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें आपके भावपूर्ण कमेंट इस वीडियो में चाहिए। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।